नारायणपेट जिले के कोलमपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी अशरफी के 549वें उर्स शरीफ के मौके पर 19 नवंबर को बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस अहाता दरगाह शरीफ में मुनक़िद की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक जिले नारायणपेट के कोलमपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी अशरफी जलाली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 549वें उर्स के मौके पर 19 नवंबर इतवार सुबह 11 बजे ता 2 बजे दिन बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस अहाता दरगाह शरीफ में मुनक़िद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस की सदारत सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी सजाद नशीन बारगाह जलालिया गोगी शरीफ करेंगे। सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सजादा बारगाह खतालिया कोलमपल्ली ने इस मौके पर कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी व समाजी मजहबी कायदीन के अलावा दीगर मजाहब के पेशवा साधु संत और मशायखीन उल्मा शिरकत करेंगे। बताया गया है कि बाद नमाज असर बारगाह खतालिया रहमतुल्लाह अलैह में रस्म परचम कुशाई अमल में आएगी और बाद नमाज मगरिब लंगर का अहतमाम रहेगा। बाद नमाज इशा जलसा अजमत औलिया का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। जलसे को हजरत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जामिया निजामिया हैदराबाद मुखातिब करेंगे। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर पीर के रोज बाद नमाज फजर खानखा खतालिया से जुलूस संदल निकाला जाएगा। जो दरगाह शरीफ पहुंचेगा वहां पर रस्म संदल माली बदस्त सजादा नशीन नबीरा हजरत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी जलाली अंजाम देंगे। सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली ने बताया कि उसी रोज बाद नमाज ईशा अहाता दरगाह में महफिल सना का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। अखिल वारसी ब्रदर्स मशहूर खवाल उसमें हिस्सा लेंगे। 21 नवंबर बरोज मंगल सुबह 8 बजे महफिल खुल व तकसीम तबरुकात अमल में आएंगे। उर्स शरीफ के मौके पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह खतालिया कोलमपल्ली इंशाअल्लाह तबारक व ताला 549वां उर्स शरीफ नबीरा हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन अलमारूफ व चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी अलैह रहमत व रिजवान का 549वां उर्स शरीफ 19, 20, 21 नवंबर को अकीदत व अहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व ताला 19 नवंबर बरोज इतवार सुबह 11 बजे दिन का 2 बजे दोपहर अहाता दरगाह शरीफ में बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें उलमाए कराम मशायखीन इज़ाम साधु संत जगतगुरु के अलावा सियासी व समाजी कायदीन शिरकत करेंगे। पयाम इंसानियत के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इसी रोज़ बाद नमाज असर अहाता दरगाह शरीफ में रस्म परचम कुशाई परचम जलालिया का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और बाद नमाज इशा अहाता दरगाह शरीफ में अजीमुशान पैमाने पर जलसा अजमत अवलिया मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें तकद्दस माँ हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली शेखुल फिका जामे निज़ामिया व सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया का खुसूसी खिताब होगा। 20 नवंबर बरोज़ पीर बाद नमाज फजर जुलूस संदल खानखाह खतालिया कोलमपल्ली सज्जादा नशीन साहब के मकान से निकलकर दरगाह शरीफ पहुँचेगा। इंशाअल्लाह तबारक व ताला संदल माली बदस्ते मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफी साहब कुल्ला सज्जादा नशीन अंजाम पाएगी। इसी रोज़ यानी 20 नवंबर बाद नमाज ईशा अहाता दरगाह शरीफ में
महफिल समा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। 21 नवंबर बरोज़ मंगल सुबह 8 बजे यहाँ दरगाह शरीफ में महफिल कुल व तकसीम तबरुकात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा तमामी आशिकान अवलिया से ये ख्वाहिश की जाती है कि उर्स के तमाम अखारिब में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल एचपी डेस्कटॉप लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3-5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा एचडी क्लियरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजी कॉन्टैक्ट 9849715954।